नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जेडी मीडिया में। और आज देख सकते हैं कि झारखंड के स्कूलों में के शिक्षकों की समस्या के समाधान के लगेगा शिक्षक दरबार। जी हां दोस्तों, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए अब हर महीने के तीसरे शनिवार को जनता दरबार के तर्ज पर शिक्षक दरबार का आयोजन किया जाएगा। अगर कभी तीसरे शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है तो दरबार का आयोजन उसके दूसरे दिन होगा। इस बार तीसरे शनिवार को छुट्टी होने के कारण शिक्षक दरबार सोमवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसमें शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के आवेदन पर त्वरित कार्य प्रसंचिका का निष्पादन किया गया है। आज 20 फरवरी को सुबह 11 बजे से ही जिले में हर शिक्षक दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी धालभूम आशीष कुमार पांडे को नोडल पदाधिकारी तथा प्रभारी सुभाष चंद्र बोस लिपिक को बनाया गया है। अचले के 20 फरवरी यानी कि आज के दिन 11 बजे से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय कच्छ में शिक्षक दरबार का आयोजन होगा। इसमें चार मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें अनुकंपा पर नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिभूति, लंबित पेंशन, पेंशन पुनरीक्षण और अवकाश के बारे में चर्चा की जाएगी। बचले के एक छोटी सी अपडेट थी झारखंड के शिक्षकों को लेकर के कि अब शिक्षक दरबार का आयोजन होगा। अपनी शिकायत, अपने मनसा जो भी हो आप शिक्षक दरबार में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। दोस्तों छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इन खबरों के साथ जुड़े रहें जेडी मीडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।